हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JMD बेसिक नॉलेज में एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए माँ भगवती से संबंधित एक ऐसे धार्मिक स्थान की यात्रा और दर्शन के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ, जहाँ पहुँचकर श्रद्धालु और पर्यटकों को माँ भगवती के दर्शन और प्रकृति का सुंदर रूप भी देखने को मिलता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्री नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको नैना देवी मंदिर के इतिहास, दर्शन और यात्रा की जानकारी, ठहरने की क्या व्यवस्था है और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएँ। दोस्तों, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है। नैना देवी मंदिर माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है। दोस्तों, अगर बात करें इस मंदिर के इतिहास की तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार एक बार भगवान शिव जी के ससुर राजा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, लेकिन उन्होंने इस यज्ञ में भगवान शिव और माता सती को निमंत्रण नहीं दिया था, लेकिन माता सती बिना निमंत्रण के ही अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में पहुँच गई। लेकिन वहाँ पर माता सती ने अपने पति भगवान शिव का अपमान होते देख उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। भगवान भोलेनाथ को जब इस बात का समाचार मिला तो वे वहां पहुंचकर माता सती को हवन कुंड से निकालकर तांडव करने लगे। भगवान शिव के इस उग्र रूप से पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। तब भगवान विष्णु ने समस्त ब्रह्मांड को शिव जी के तांडव से बचाने के लिए माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित कर दिया। इससे माता सती का जो अंग जिस स्थान पर गिरा वह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इस तरह माता सती के 51 शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई। मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर माता सती के नेत्र गिरे थे, जिससे यह शक्तिपीठ श्री नैना देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में त्रिकोण पर्वत पर स्थित है। वैसे तो नैना देवी मंदिर में दर्शन के लिए रोज लाखों लोग आते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत भारी भीड़ होती है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नैना देवी मंदिर तक कैसे पहुँचे। दोस्तों, नैना देवी मंदिर नेशनल हाईवे 21 से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने के लिए यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होती है। दोस्तों, अगर आप हवाई मार्ग से श्री नैना देवी मंदिर तक जाना चाहते हैं तो इस मंदिर का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट चंडीगढ़ में है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरकर आपको बस या कैब के माध्यम से आनंदपुर साहिब बस स्टॉप तक आना होगा। आनंदपुर साहिब बस स्टॉप राष्ट्रीय राजमार्ग 21 पर ही स्थित है। आनंदपुर साहिब बस स्टॉप से नैना देवी मंदिर तक जाने के लिए आपको रोडवेज और प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएंगी, जिनके जरिए आप मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से नैना देवी मंदिर तक जाना चाहते हैं तो आपको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन या अंबाला रेलवे स्टेशन तक आना होगा। यदि आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से आपको सितारा 43 बस स्टॉप जाना होगा, जहां से आनंदपुर साहिब बस स्टॉप के लिए आसानी से बसें मिल जाती हैं। और अगर आप अंबाला रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही बस स्टैंड है, आप वहाँ से बस पकड़कर आनंदपुर साहिब बस स्टैंड तक आसानी से पहुँच सकते हैं। आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से रोडवेज और शेयर टैक्सी आपको मंदिर तक जाने के लिए आसानी से मिल जाती है। आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से नैना देवी मंदिर की दूरी लगभग 22 किलोमीटर है। अगर आप आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से नैना देवी मंदिर तक शेयर टैक्सी से जाते हैं तो वो आपको सीधे मंदिर तक आसानी से पहुंचा देती हैं, जिसके लिए वो 120 से 150 रुपये तक का चार्ज करते हैं। इसके अलावा आप आनंदपुर साहिब बस स्टैंड से रोडवेज से भी जा सकते हैं, जिसके लिए वे 40 रुपये तक का चार्ज करते हैं। रोडवेज या टैक्सी सीधे आपको पहाड़ के ऊपर तक पहुंचाती हैं। इस दौरान आपको प्रकृति और पहाड़ों का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं यहाँ रुकने की व्यवस्था के बारे में। दोस्तों, पहाड़ के ऊपर ही बहुत सी धर्मशालाएँ और रूम अवेलेबल हैं, जिनमें आप ठहर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि नैना देवी मंदिर के आसपास खाने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, पहाड़ के ऊपर ही बहुत से ढाबे हैं, लेकिन इन ढाबों में आपको हाई क्वालिटी का खाना नहीं मिलेगा। इन ढाबों में आपको छोले समोसे, छोले भटूरे, छोले चावल,
कोल्ड ड्रिंक, लस्सी आदि मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको चाट के ठेले और नींबू पानी के ठेले भी मिल जाते हैं, जिसकी व्यवस्था स्थानीय द्वारा की गई है। इसके अलावा आपको बहुत से अच्छे होटल भी मिल जाएंगे, जिनमें जाकर आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं नैना देवी मंदिर में दर्शन के बारे में। बस से उतरने के बाद नैना देवी मंदिर तक की यात्रा पैदल करनी पड़ेगी, जिसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है। ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, जिन पर पैदल चलकर आप नैना देवी मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, नैना देवी मंदिर तक की पैदल यात्रा के रास्ते में आपको बहुत सी स्टॉलें मिल जाएंगी। आप इन्हीं स्टॉलों से पूजा का सामान और प्रसाद ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जूते चप्पल भी इन्हीं स्टॉलों पर रख सकते हैं। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए आप नैना देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए सुबह ही जाएं, नहीं तो आपको भीड़ ज़्यादा होने के कारण काफ़ी देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ सकता है। यदि ऊपर मंदिर में ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो आपको स्थानीय पुलिस द्वारा सीढ़ियों पर ही रोका जा सकता है। मंदिर परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस हर संभव प्रयास करती है। सीढ़ियों की पूरी चढ़ाई चढ़ने के बाद लाइन में धीरे धीरे चलते हुए आप माता नैना देवी के मंदिर तक पहुंचेंगे। मुख्य मंदिर के गर्भगृह में माता नैना देवी, भगवान गणपति और मां काली के साथ पिंडी के रूप में विराजमान है। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी के दर्शन करेंगे और इसके बाद माता नैना देवी और मां काली जी के दर्शन कीजिए। यदि आप पूजा या हवन करना चाहते हैं तो मंदिर के पास ही एक हवन कुंड है, आप वहां पर जाकर पूजा और हवन कर सकते हैं। याद रहे कि नैना देवी मंदिर के अंदर प्रसाद नहीं चढ़ता है, प्रसाद आपको दर्शन के बाद बाहर ही चढ़ाना होगा। दोस्तों, मंदिर से बाहर निकलने के लिए दूसरा द्वार है, केवल उसी रास्ते से श्रद्धालु बाहर आते हैं। दोस्तों, मंदिर से बाहर आने के बाद आप अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। नैना देवी मंदिर के चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए बादल पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा डैम और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध भाखड़ा नागल बांध, जो हिमाचल में ही सतलुज नदी के ऊपर बना हुआ है, आप वहां पर भी घूमने जा सकते हैं। नैना देवी मंदिर से भाखड़ा नागल बांध की दूरी 28 किलोमीटर है। तो दोस्तों, इस तरीके से पूरी होती है हमारी देवभूमि हिमाचल में स्थित माता नैना देवी मंदिर की यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल का हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।